नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलॉय और आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों का इस बिस्नी हुए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को घी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग बिजनेस आइडिया के बारे में A to Z डिटेल्स में बताने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे आप लोग छोटा सा एक घी का कारखाना खोल सकते हो, जिसके लिए आप लोगों को कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का जरूरत होने वाला है, कौन कौन सा मशीनरीज को आप लोगों को लेना होता है, रॉ मटेरियल्स आप लोग कहां से खरीद सकते हो, किस रेट में खरीद सकते हो, कैसे एक बेस्ट क्वालिटी का घी को तैयार किया जाता है, कैसे इसका पैकेजिंग किया जाता है, मार्केटिंग का कौन कौन सा तरीका होता है, कितना खर्च होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, यही सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ साथ लाइसेंस आप लोगों को कौन कौन सा लेना होगा, हर एक चीज़ों के बारे में जो कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होता है, उन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुल मिला के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग बस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऐसे ही बहुत सारा नया नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ तो वो आपसे नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में भी बताया था कि इंडिया में 2016 में 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट में इस घी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस का मार्केट वैल्यू था, जो कि आज के टाइम में आप लोग सोच सकते हैं कि इसका मार्केट वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और रही बात घी को इस्तेमाल करने के बारे में, तो फिर खाना पकाने से लेके मिठाई तैयार करने के लिए तक फूड इंडस्ट्री में घी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट माना जाता है। इसके अलावा भी घी को और भी बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको अगर घी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही आपका लाख को आजमाना है तो आप लोगों को सबसे पहले जरूरत होने वाला है इस बिजनेस के लिए मशीनरीज, जिसके हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले लेना पड़ेगा एक घी बॉयलर मशीन, जिसे आप लोग 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए में ही खरीद सकते हो। लेकिन इस घी बॉयलर मशीन का भी प्राइस डिपेंड करता है इसका कैपेसिटी के ऊपर, मतलब मशीन में आप लोगों को कितना लीटर का घी बॉयल कर सकते हो उसके ऊपर इन सारे मशीन का प्राइस डिपेंड करता है। नॉर्मली आप लोगों को मार्केट में मिलने वाला मशीन में आप लोग 40 लीटर से लेके 100 लीटर तक की घी को बॉयल कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा एक घी फिलिंग मशीन, यानी एक लिक्विड फिलिंग मशीन, जिसकी मदद से आप लोग घी को बोतल्स में यानी कंटेनर में पैकेजिंग कर सकते हो। और इन सारे घी यानी लिक्विड फिलिंग मशीन एक्चुअली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है मैनुअल घी फिलिंग मशीन, जिसका मार्केट प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 12,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये के आसपास से। दूसरा इस टाइप का सेमी ऑटोमेटिक घी फिलिंग मशीन, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 30,000 रुपये से लेके 35,000-40,000 रुपये के आसपास से। लेकिन इन सारे मशीन में नोजल्स के हिसाब से इन सारे मशीन का भी प्राइस डिफरेंट होता रहता है। और तीसरा आता है फुल्ली ऑटोमेटिक घी फिलिंग मशीन, जिसमें आप लोगों को एक तरफ से रॉ मटेरियल्स यानी रॉ घी को लोड कर देना होगा और दूसरा तरफ से आपका पैकेजिंग यानी कंटेनर में ऑटोमेटिकली पैकेजिंग होके आपका घी रेडी होके निकलता रहेगा। और इन सारे फुल्ली ऑटोमेटिक घी फिलिंग मशीन का अभी का मार्केट में प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 80,000 रुपये की कीमत से। लेकिन मशीन में जितना सारा नोजल्स होगा उसके हिसाब से इन सारे मशीन का प्राइस भी चेंज हो सकता है। बाकी आप लोग अगर इन सारे मशीन को बिजनेस के पर्पज में परचेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मशीन का सेलर का कुछ एड्रेस डिटेल्स दिया गया है, आप लोग उन सारे सेलर के साथ मिल सकते हो और हर एक चीज परखने के बाद ही आप लोगों को ठीक लगता है तो आप लोग इन सारे मशीन को परचेस करने के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा पैकेजिंग मटेरियल्स, जिसके हिसाब से आप लोगों को प्लास्टिक का पाउच पैकेट्स या प्लास्टिक का या ट्रांसपेरेंट कुछ कांच का बोतल्स को भी आप लोग ले सकते हो, जिसे आप लोग ठीक समझो आप लोग उसे पैकेजिंग करने के लिए इन सारे पैकेजिंग मटेरियल्स को ले सकते हो। और प्लास्टिक का पाउच पैकेट्स या इन सारे बोतल में ब्रांडिंग करने वाला स्टिकर्स को आप लोग आपका खुद का ब्रांड नेम के साथ भी प्रिंट करवा सकते हो। और आप लोग अगर पाउच पैकेजिंग करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप लोगों को जरूरत होने वाला है इस टाइप का एक सेमी ऑटोमेटिक पाउच सीलिंग मशीन, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है अभी का मार्केट में लगभग 14,000 रुपए की कीमत से। और घी तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आप लोगों को चाहिए होगा अनसॉल्टेड बटर, यानी बिना नमक वाला बटर, जिसे आप लोग आपका नियरेस्ट किसी बटर फार्म से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से भी आप लोग इन सारे अनसॉल्टेड बटर को
बिल्कुल होलसेल प्राइस में खरीद सकते हो। और इन सारे अनसॉल्टेड बटर भी 15 kg का स्टेप का टीना का डब्बा में आता है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 3000 रुपए से लेके 3750 रुपए के आसपास की कीमत से। लेकिन आप लोग जितना अच्छा क्वालिटी का इन सारे अनसॉल्टेड बटर को खरीदेंगे, उतना ही अच्छा क्वालिटी का घी आप लोगों को मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं इन सारे घी को आप लोग कैसे तैयार कर सकते हो, यानी इसका प्रोसेसिंग क्या होने वाला है। दोस्तों एक्चुअली घी दो तरीके से तैयार किया जा सकता है। पहला, डायरेक्टली दूध को प्रोसेस करके इन सारे घी को तैयार किया जा सकता है। और दूसरा, आप लोगों को इन सारे अनसॉल्टेड बटर को बॉयल करते हुए भी आप लोगों को एक प्योर क्वालिटी का घी मिल सकता है। जिसके लिए सबसे पहले आप लोगों को घी बॉयलर मशीन में अनसॉल्टेड बटर को छोटा छोटा स्टेप का क्यूब के आकार में काटना होगा और उसे बताया गया टाइम के हिसाब से पकाना होगा। और उसके बाद बॉयल किया गया अनसॉल्टेड बटर को एक छागनी की मदद से छाग लेना होगा और कुछ टाइम नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के बाद आप लोगों को एक अच्छा क्वालिटी का प्योर घी मिल सकता है। दोस्तों एक्चुअली घी का क्वालिटी चेंज करने के लिए आजकल बहुत सारे कंपनियां घी में प्रिजर्वेटिव के हिसाब से डालडा के जैसा बहुत सारे चीज मिला रहा है, लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। खैर छोड़िए, जो भी हो, आप लोगों को आपका घी रेडी हो जाने के बाद आप लोग उसे घी फिलिंग मशीन की मदद से उसे पैकेजिंग कर सकते हो और आपका ब्रांड नेम वाला स्टिकर्स को या पैकेट्स में पैकेजिंग करके आप लोग उसे मार्केट में इजीली सेल कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं आप लोगों को कितना खर्च होगा, कितना प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हो इस घी का बिजनेस को करते हुए। दोस्तों आप लोग अगर इन सारे अनसॉल्टेड बटर को बिल्कुल होलसेल रेट में यानी क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे तो आप लोगों को एक अच्छा क्वालिटी का अनसॉल्टेड बटर को खरीदने के लिए आप लोगों को लगभग 200 से 250 रुपए पर किलो के हिसाब से आप लोगों को प्राइस देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि 1 kg अनसॉल्टेड बटर को बॉयल करने के बाद लगभग 10-13% पानी यानी मॉइस्चर निकल जाता है। यानी आपको 1 kg अनसॉल्टेड बटर को बॉयल करने के बाद 870 ml से लेके 900 ml तक की प्योर घी मिलेगा। और बिल्कुल इसी के हिसाब से आप लोगों को लगभग 1 kg प्योर घी तैयार करने के लिए आप लोगों को लगभग 230 रुपए से लेके 287 रुपए तक की भी खर्च हो सकता है। और पैकेजिंग वगैरह करने के बाद आप लोगों को 1 kg घी में टोटल खर्च हो जाएगा 250 रुपए से लेके 300 रुपए पर किलो के हिसाब से, जिसे आप लोग 300 रुपए से लेकर 340-350 रुपए पर किलो के हिसाब से सेल करते हुए 40-50 रुपए पर किलो के हिसाब से आप लोग प्रॉफिट मार्जिन इनकम कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं आप लोगों को इस घी मेकिंग प्लांट का बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करना होगा। दोस्तों आप लोग अगर एक घी मेकिंग प्लांट का ही शुरुआत करना चाहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग में फोकस करना होगा। जिसके लिए आप लोग बिजनेस के शुरू में आपके आसपास के इलाके में घी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना होगा, क्योंकि इस बिजनेस में आपको पर डे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही इन सारे प्रोडक्ट को सेल करना होता है। इसलिए ही आप लोग इस बिजनेस में डायरेक्टली प्रोडक्ट को मार्केट में होलसेल नहीं कर सकते हो। आपको इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही प्रोडक्ट को सेल करना होगा, जो कि आपका प्रोडक्ट को उसी इलाके का दुकानों में सप्लाई करने वाला है। और इसी के हिसाब से आप लोग अगर पर डे 100 kg घी को सप्लाई कर सकते हैं तो आप लोग पर डे 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए यानी मंथली 90000 रुपए से लेकर 120000 रुपए तक की भी या उससे भी ज्यादा की प्रॉफिट मार्जिन आप लोग इस बिजनेस के थ्रू इनकम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होता है कुछ लाइसेंस, और आपको इस घी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लेना होगा एक ट्रेड लाइसेंस, FSSAI रजिस्ट्रेशन, IEC कोड, FPO एक्ट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, MSME या SSI रजिस्ट्रेशन के साथ साथ EPI एंड ESI रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों को करना पड़ेगा, और साथ साथ GST रजिस्ट्रेशन का भी आप लोगों को इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बहुत ही जरूरत होने वाला है। दोस्तों बस यही था घी का बिजनेस को स्टार्ट करने का प्रोसेस। लेकिन आप लोगों को अगर इस बिजनेस के बारे में और भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और आज का इस बिजनेस आइडिया आप लोगों को अगर पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ बहुत बहुत इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और इस बिजनी हुआ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ और एक नया बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बिजनी हुआ बिजनेस आइडियाज फॉर एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।